नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए नजर डालते हैं आज के सबसे बड़े खबरों पर। भारत ने 601 रनों पर घोषित की पहली पारी। जी हां, खबरें खेल जगत से हैं, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के MCA स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें कप्तान विराट कोहली के नाबाद 254 रनों की ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ पारी की मदद से भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। कप्तान कोहली समेत मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा और बल्लेबाजों के शानदार खेल से भारत ने दूसरे टेस्ट की अपनी पहली पारी 5 विकेट के नुकसान से 601 रन बनाकर घोषित कर दी है। भारत ने यहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में दूसरे दिन चाय के बाद आखिरी सेशन में अपनी पारी घोषित की है। कप्तान विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में सबसे बड़ा स्कोर 254 रन बनाया, जिसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट के सर्वाधिक स्कोर 248 रनों को भी पीछे छोड़ दिया है। अंत में रविंद्र जडेजा 91 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए, कप्तान कोहली ने पारी घोषित करने का फैसला किया। कोहली ने अपनी नाबाद पारी में 336 गेंदों का सामना कर 3 चौके और 2 छक्के मारे। जडेजा ने 104 गेंदों का सामना किया, उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों के अलावा मयंक अग्रवाल ने 195 गेंदों पर 16 चौके और 2 छक्कों की मदद से 108 रन की पारी खेली।